आज देखिए आज के डेट में भी उनका आईडी में जनक चमार लिखा हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए। जब बैंड लग गया है चमार जाति बोलने पर तो चमार होकर के हम कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल दिया तो बहुत दिक्कत होगी। भरी सदन में महिला के खिलाफ बोले हैं आपत्तिजनक, जो महिला विधायक फूट फूट कर रही है उसका भी निंदा, आपको देश के प्रधानमंत्री भी निंदा किए हैं। अब दो दिन के बाद में जाकर के भाजपा में मिल गए तो वो ठीक होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। देखिए, रावरी आवास से निकलने के बाद मुन्ना शुक्ला ने जो बयान दिया उससे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। हालांकि ये बयान पर उस समाज के लोगों का क्या राय है, क्या सोच है, वो किस नजरिए से इसको देखते हैं, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला पार्षद विनोद राम जी। हम इनसे सीधे जानेंगे कि उनके बयान को किस रूप में लेते हैं और क्या सोचते हैं उस बयान को लेकर। विनोद जी, सबसे पहले वैशाली टुडे में आपका स्वागत है। स्वागत है। देखिए, वो स्टेटमेंट शायद आपने सुना होगा जो विधायक जी, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने दिया था रावरी आवास से निकलने के बाद। जी जी, सुने हैं। ठेस पहुंचा होगा, निश्चित पहुंचा होगा आपके भी, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आदिकाल में आपके भी पूर्वज और मेरे भी पूर्वज जो आदि मानव थे, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आई, सब लोगों का अलग अलग चलने का रवैया बदला, सोसाइटी बदला, चेंजिंग हुआ, सब समाज का विकास हुआ, सब लोग मोटिफाइड किया। कुछ लोग अपने पहले पासवान जाति थे तो वो पहले तुषार बोलते थे, हम लोगों में राम थे, अभी रविदास बोलने लगे, और हम लोग को जो राम शब्द का इस्तेमाल किया गया वो धोखा से हमारे माननीय विधायक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जी जो बोलचाल की भाषा में बोल दिए हैं वो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। राम नहीं बोले हैं, राम नहीं बोले हैं, चमार बोले हैं जी। चमार बोले हैं, वो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। हम लोग भी आमतौर पर, हम भी जिला पार्षद हैं, उनके समाज का पुरजोर बहुमत मिला हमको, मान सम्मान देने का उन्होंने काम किया है, उनका समाज आज भी हमको बराबरी के दर्जा देते हैं। उनके समाज अपने साथे बैठा कर खिलाना पिलाना, मान सम्मान देना, और कहीं से फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। चमार रविदास लोग बोलता है आमतौर पर बोलने की भाषा से, अगर विधायक जी से अगर बोला भी गया है ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, हम इसको कुछ मुद्दा उद्दा मानते नहीं है। यह विरोधियों का स्टंट है वोट की राजनीति करने के लिए। आज हमारे गरीबों के मसीहा माननीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जो गरीबों के, दलितों के मसीहा हैं, और उनके बदौलत, उनके मान सम्मान के बदौलत, उनके कृपा से, उनके व्यवहार से और उनके कार्यकलाप से आज हम लोग उन मुकाम पर पहुंचे हैं जो पूर्वज में हम लोगों को चौकी पर, खटिया पर लोग बैठे नहीं दिया जाता है। यह लालू यादव का देन है कि आज हम लोग सभी जाति के बराबरी में बैठते हैं, उठते हैं, मान सम्मान सब लोग देता है, ये लालू यादव का काम है। और लालू यादव की पार्टी से अगर माननीय विधायक हमारे मुन्ना शुक्ला जी, लेकिन उस शब्द पर तो अब कानून भी एक बैन हो गया है, ठीक है। आज के डेट में हमारे पूर्व में हमारे जनक बाबू जो है जनक चमार, वो पूर्व में आज से 15-20 साल पहले जब बीएसपी में थे तो हम उनके मीटिंग में जाते थे, जनक चमार के नाम से ही संबोधित होते थे, और आज के डेट में भी उनका फेसबुक आईडी जनक चमार के नाम से ही होता है। उनके आवास पर हम कई एक बार जाकर मिलने का काम किया है, उनके बोर्ड पर आज भी जनक चमार ही लिखा हुआ है उनके आवास के सामने। यह भाजपा का स्टंट है और वोट बिखराव के लिए, लेकिन समाज रविदास समाज, लेकिन वो तो खुद इस पर आपत्ति, वो तो भाजपा में मिल गए हैं, वो अपने समझिए कि एक तरह से आरक्षण विरोधी सरकार में मिल गए हैं, वो अपने आप को पद पर बनने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा से मिल गए हैं। तो दूर दूर तक भाजपा से हम लोग नाता नहीं रखने वाले हैं। आपकी बात तो सत्य है, तो वो अपने नाम के साथ अगर लगाते हैं आज के डेट में भी, आप देखिए आज के डेट में भी आप उनका आईडी खोल के देखिएगा, तो आज के डेट में भी उनके नाम में आपको जनक चमार जो है दिखाते हैं आपको। आज देखिए आज के डेट में भी उनका आईडी में जनक चमार लिखा हुआ है, और यह विरोध किस मुद्दे पर करते हैं जब अपने नाम के सामने उन्होंने चमार लिखे हुए हैं,
तो मुद्दा बनाने के लिए विरोध कर रहे हैं। इस तरह का ऐसा दोहरी बात इसलिए है कि भाजपा का नीति तो है झूठ बोल के शासन करना और राज करना, और वो गलबला करके जनता को ठगना चाहती है। और इस बार उन्होंने यह दृढ़ संकल्प किया है भाजपा के लोगों ने कि इस बार अगर पूर्ण बहुमत में हम आ जाएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। विनोद जी, अगर वो आज भी वही टाइटल लगा रहे हैं, वही चीज लेकर रहे हैं, तो फिर उनका नाम लेने में भी आप लोग गुरेज करेगा, डरेगा? हाँ, तो एकदम 100% है। आज के डेट में भी वो राम अब कर दिए हैं, राम इधर देख रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी उनका आपको आईडी चल रहा है जनक चमार के नाम से। तो फिर कहें आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के नीति से चल रहे हैं। आज के डेट में उनके कितनों कहने पर हमारे समाज जो रविदास समाज है पूरे बिहार में एक मुश्त आरजेडी को वोट करने जा रही है और करेगी, कहीं से दो मत नहीं। अच्छा, वो एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, वो जो अपना टाइटल लिख रहे हैं, हम तो बोलेंगे तो फिर हो सकता है गलत मान ले लोग, क्या वो टाइटल लिख रहे हैं जनक का? जनक राम, जनक चमार लिखे हुए हैं, और आप विनोद राम लिखते हैं? विनोद राम लिखते हैं। हम लोगों को पहले भी जाति प्रमाण पत्र बनती थी तो उसमें अनुसूचित जाति ब्रैकेट में चमार ही लिखा जाता था, जो आज के डेट में भी हमारे पास में जो आपको जाति प्रमाण पत्र है उसमें भी चमार लिखा हुआ है। अगर बोलचाल की भाषा में माननीय विधायक जी अगर बोल भी दिए हैं, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। सरकार से क्या आप चाहेंगे कि वो चीज को कागज से मिटा दिया जाए ताकि ये बात ही खत्म हो जाए? जब तक कागजों में रहेगा, जैसे ये नाम लाल, हाँ हाँ हाँ, अगर इस बात को बैन कर दिया गया है, तो पूर्ण रूप में बंद कर दिया है, तो सरकार इसको साफ मुद्दे को हटा दिया जाए। जो आज तक बोलचाल की भाषा में कोई बोल देता है तो लोग धर लेते हैं इस बात को। अभी तो हम कई जगह सर्वे किए हैं, बहुत जगह चमार जाति को वैशाली लोकसभा में कई एक जगह अपने समुदाय से बात किए हैं इस मुद्दा पर लेकर के, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। सब मेरे समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो राजद का ही वोट दूंगा, लालटेन को भी वोट दूंगा, पसमान जाति के भी लोग बोले हैं। तो ये अब अभी तक इसको क्यों ढो रहे हैं, इस नाम को? नाम को ढो रहे हैं, वो मुद्दा बना रहे हैं इसलिए कि वोट राम जाति को मेरे पक्ष में आए, भाजपा अपने पक्ष में लेना चाह रही है, इसलिए मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अब अनुसूचित जाति में जो हम रविदास समाज के लोग हैं, अब उतने बेवकूफ पूर्वक नहीं रह गए हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा का ये स्टंट है। तो फेसबुक आईडी उसी नाम से चलना, लेकिन उस नाम से आपत्ति होना, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बैंड लग गया है चमार जाति बोलने पर, तो चमार होकर के हम कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल दिया तो बहुत दिक्कत हो गया, उनको भी तो नाम हटाना चाहिए। वो क्यों लिखेंगे फेस आईडी पर? उस नाम को बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए, उनको टाइटल बदलना चाहिए, एकदम 100% बदलना चाहिए। उनके टाइटल से आप भी आहत होते हैं? आहत होते हैं, एम स्पष्ट होती है कि हम चमार खुल के लिखते हैं कि हम जनक चमार, या मेरा पहचान है कि मैं चमार हूँ, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम चमार जाति से हैं। अगर बोलचाल की भाषा में विधायक जी बोल भी दिए हैं तो आमतौर पर उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माफी भी मांगे हैं, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे हैं, इसमें कहीं तो मत नहीं है। हमारे विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भरी सदन में महिला के खिलाफ बोले हैं आपत्तिजनक, जो महिला विधायक फूट फूट कर रोई है उसका भी निंदा, आपको देश के प्रधानमंत्री भी निंदा किए हैं, अब दो दिन के बाद में जाकर के भाजपा में मिल गए तो वो ठीक हो गए। देश के पूरे महिला जो अपमानित हुई है नीतीश कुमार से, वो भी तो माफी मांगे हैं। लेकिन दोनों सदन में बोले के बाद माफी मांग लिए, माफी मांग लिया तो विधायक जी भी तो हमारे माफी मांग लिए हैं। ये मुद्दा आती कहाँ से है? खत्म, मतलब इसको खत्म कर देना चाहिए, एकदम खत्म कर चाहिए। इस पर कोई मतलब ही नहीं है इस मुद्दा को बढ़ाना, ये केवल दल बनाने के लिए राजनीति के काम किया जा रहा है। ये हमें जनता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समाज में कोई दिक्कत नहीं है, और 100% हम लोगों के समाज आरजेडी को वोट करने जा रही है। तो ये है जनता की राय, उस समाज की राय भी हमने सुना, दूसरे समाज से भी हमने बात की, और सब लोगों की राय आपके सामने हम दर्शक के बीच रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेताओं की जुबान फिसलना कोई नई बात नहीं, चुनाव के वक्त कई नेताओं का जुबान फिसलता है और उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेते हैं लोग और वही बात खत्म होती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली।